गुड मॉर्निंग इंतिक, आप जी कैसे हो? आप लॉन्ग टाइम। बस सही है। पहले से तो सही, आप गायब किधर हो गए? नहीं मैम, गायब तो कहीं नहीं था, यहीं पे ही था। ठीक है, क्या क्या चल रहा है बताओ, मेरे को तकलीफ। कितना टाइम हो गया पोस्ट ऑप? मैम अभी सर्जरी को 7 जून को हुई थी। ठीक है, 7 जून, अभी हो गया सितंबर। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने हो गए। ठीक है। क्या क्या कर रहे हो आप अभी? मैम अभी 1 लैग स्क्वाड कर रहा हूँ और 2 लैग स्क्वाड नॉर्मल, और क्या कहते हैं 1 लैग ऐसे करके हील की ऊपर करके, ऐसे पूरा ऐसे करके ये वो करना, और फिर क्या कहते हैं साइड में जो एक वीडियो भेजी थी साइड में ऐसे करके करने वाली वो, ठीक और है। क्या लंजेस कर रहा हूँ। और कोई तकलीफ आ रहा है पैर में? स्वेलिंग कैसा है? मैम स्वेलिंग तो नहीं है पैर में, पर ये है कि यहाँ पे ये है, जब मैं ऐसे वो करता हूँ तो आवाज आती है कट कट की हाँ, थोड़ी सी, जैसे वो मैंने सुनी थी, फ्रिक्शन फ्रिक्शन जी होता है ना जॉइंट में, उसका जी जी आवाज मैम। है। कोई दर्द वर्द तो नहीं है उसके साथ आपको? आवाज के साथ नहीं मैम दर्द तो कुछ नहीं हो रहता। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रिक्शन का आवाज है। वो जब तक आपका ये मसल को पंप करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक थोड़ा बहुत आवाज आना नॉर्मल है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताओ जी कि मैम एक्सरसाइजेस तो बढ़ानी पड़ेंगी आपकी, बहुत पीछे चल रहे हो आप। ठीक है, तो क्या करना चाहते हो? मैं एक्सरसाइज आपको इधर सिखा रही हूँ, वो करो, उसके बाद वो सारा वीडियो बना के आप उधर डालो। कैसी ठीक, हेल्प ओके मैम। तो मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या एक्सरसाइज करनी है? आपने सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया था? ठीक जी मैम है, कितनी हाइट से कर रहे थे? सीढ़ियों से मैम मतलब बस नॉर्मली छत पे गए, छत वाली जो सीढ़ी होती है उससे जाना और आना, बस ये वाला। ठीक है, उसको ना एक्सरसाइज की तरह शुरू करना है। घर में कोई स्टूल हो या कोई सीढ़ी हो तो वो ले आओ। स्टूल वगैरह मैम हाँ, स्टूल कुछ हो या कोई सीढ़ी हो तो वो ले आओ। स्टूल तो है, सीढ़ी का तो ये इतना बड़ा, इससे ऊंचा वाला स्टूल चल जाएगा मैम? दिखाओ, हाइट दिखाओ। ये देखो ये बहुत ऊंचा है, इससे छोटा चाहिए। ठीक तो ये वाली इतनी सीढ़ी चल जाएगी मैम, ये वाली? है, इतनी सीढ़ी चढ़ जाएगी। इस पे आपको जो सर्जरी वाला पैर है, पहले मेरे को देखो। जी मैम हाँ, पहले जो सर्जरी वाला पैर है उसको ऊपर रख के आपको नीचे वाले पैर का टो टच करना है, बस जो ऑपोजिट वाला पैर है ना उसका टो टच करना है। बट जब ये पैर जी जाएगा सीधा, ये सीधा बाहर जाएगा, ये अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, सीधा। जी मैम ठीक है, कंट्रोल करोगे इसको, बाहर निकालते हुए टच करो और ऊपर आओ। मैम ये वाली तो कर ली एक्सरसाइज मैंने। हाइट बढ़ानी है आपको, ठीक है, अच्छा क्योंकि आप पहले कम हाइट से कर रहे थे, अब इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसकी आपके मसल्स की स्ट्रेंथ, मतलब मसल से ज्यादा जोर पड़े। एक बार मेरे को आप इसी हाइट से करके दिखाओ मेरे को। अली यहाँ आइयो। पहले कौन सी मैम सीढ़ियों पे कर रहे थे आप? इसी वाली सीढ़ी पे कर रहा था पहले भी, करके दिखाओ मेरे को एक बार। जैसे ये जैसे। जिन्होंने फोन पकड़ा उनको बोलना पीछे जाएंगे थोड़ा, जी मैम थोड़ा जिन्होंने फोन पकड़ा उनको बोलो थोड़ा पीछे जाएंगे, दिख नहीं रहा मेरे को। सा पीछे आ, हाँ, क्या इतना ठीक है। हाँ है अब? सही है मैम। जी, एकदम ठीक है, अभी करके दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये जो आप कर रहे हो ना, इसमें घुटना आपका अंदर वो की देख तरफ गया जा रहा है। कि यार मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं हेलो हाँ, ऐसे आप एक बार उनको फिर रिनॉल्ट की से। रिनॉल्ट की हाँ, इसी रिनॉल्ट तरह जी जी, मैम।
इंदर आप जी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तब आपका घुटना अंदर की जी तरफ जा रहा है, क्या घुटना घुटना अंदर की साइड जा रहा है? ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है? मारुति आपको जब जी करना है तब सीधा करना है, एक तो चप्पल उतार के करो, ढंग से करो उसको, सीढ़ी के ऊपर पैर रखो, पूरा पंजा जो ऑपरेटेड वाले पैर का वो पूरा सीढ़ी पे रहेगा, ठीक है? जी मैम और जो ऑपोजिट साइड है, जो ऑपोजिट वाला पैर है उसको सीधा रखना है, बट आपका जो जिस पैर पे वजन है ना, वो पैर वो सीधा, उसका घुटना सीधा रहना चाहिए, आपका घुटना अंदर की तरफ जा रहा है। करके दिखाओ मेरे को दोबारा। एक मिनट मैम। ओ यहाँ आली ले पीछे दिखाइए मैम को। बस ऐसे है। 5.2, पांच घुटना सीधा रखो, लाख दो 20 हजार घुटना रुपये सीधा इधर रखो, मैम। सीधा बाहर की तरफ। हाँ जी, इस साइड थोड़ा, इस हेलो, साइड हाँ 5.20 हजार की। हाँ हाँ सपोर्ट लेके करो आप। अभी पहले पंजा, पैर का पंजा सीधा रखो। इंतकाब जी गलत कर रहे हो, पैर क्या रहा, का पंजा सीधा मुझे रखो। आवाज खुद ही आ रही, क्या एक क्या मिनट कर। मैम, मैं हेडफोन लगा लूँ? एक मिनट, हाँ एक हाँ मिनट हाँ रुको, हाँ आप हाँ जाओ जाओ। हेडफोन लेके आइए मैं। जी मैम, हाँ, हाथ को ऐसे रख के सीधा, अब आपकी जो पैर की एड़ी है वो सीधी होनी चाहिए बाहर, जी ऐसे की तरफ नहीं, सीधा रखो। हाँ, अब इस पैर को, घुटना मैम, और आपका जो पैर का टो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, नीचे आने की कोशिश करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल कर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, वन, और ऊपर जाओ। हाँ, दोबारा करके दिखाइए। ऐसे ही करना है इस एक्सरसाइज को, ठीक है? जी इसके आप 10 रेपिटेशन के 2 सेट करोगे, ठीक ओके मैम। है? इसी में आपको एक लैटरल से शुरू करना है, ध्यान से देखो कैसे करना है उसको, ठीक है? मेरा जी मैम, हाँ दिख रहा है ना, पहले पैर रखना है जी मैम, जी सेंटर में रखना है पैर, ठीक है? उस मैम, पैर के ऊपर घुटना और हिप ऐसे अलाइन होगा, ऊपर जाओ टच करो और नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ पैर को टच करो और नीचे आओ, करके दिखाइए। ओके मैम, नहीं ऐसे नहीं करना, नीचे आओ। हाँ, अब अपना घुटना और हिप पैर के ऊपर, पहले उसको सीधा करो, उसके ऊपर लीन करो, पहले पैर का पंजा सीधा करो, पंजा सीधा सही है करो, मैम। नहीं, पंजा सीधा करो। हाँ, अब नी को ऐसा, मतलब नी को आप पंजे के ऊपर लगाओ, पहले जैसे लॉक कर रहे हो, साइड में जाओ थोड़ा सा। हाँ, अब ऊपर चढ़ो, हाँ चढ़ो, वन, ओके ऐसे, ठीक है? फिर नीचे आओ। हाँ, घुटने को पैर के ऊपर चढ़ाओ, टू, दोबारा। हाँ, अब घुटने को पहले, नहीं, इंतजाम जी आप गलत जल्दी मत करो, गलती से गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, सही से करो। जी नीचे आओ, पैर को नीचे रखो, जो मैं कह रही हूं उसको सुनो, घुटने को जी एड़ी के ऊपर लगाओ पहले, ले आपको उसके ऊपर लीन होना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर वजन डालना पड़ेगा साइड से। हाँ, और अब चढ़ो, जी मैम, डाल दिया। हाँ साइड से वजन डालो और चढ़ो, वन, ठीक जी मैम, डाल दिया है? ऐसे करना, दोबारा करके दिखाओ। ऐसे। पूरा ये मैम, पूरा वेट है मेरा हाँ फिलहाल अभी हाँ ऐसे। हाँ दोबारा, अब इसकी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। ठीक है, इसके 10 के 2 सेट करने हैं। आप स्क्वाट्स कैसे कर रहे हो आप? और से एक तो मैम, मैं पहले तो ये वाले कर रहा था पीछे, ये थोड़ा सा सिंगल लेग वाले ये कर रहा था, ये वाले, ये ऐसे करके, ये ऐसे, फिर मैंने एक ये वाले किए कि ऐसे करके लेग को, ऐसे वाले, ये वाले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो पीछे चेयर लगाओगे, कुर्सी, जी ठीक मैम, है? हाँ, कुर्सी लगाओगे, सर्जरी वाले पैर पे खड़े रहोगे, घुटना बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है? घुटना बाहर की तरफ रहेगा, ये वाला ओके पैर बाहर रहेगा,
इसमें वजन डालते हुए आपको बैठना है और फिर खड़े होना, करके दिखाओ। चेयर लेके आए क्यों? घुटना बाहर की तरफ रहेगा, धीरे धीरे बैठो। आप एक काम करो, आप वो जो पीछे वो है ना बेड है उस पे बैठने की कोशिश करो, वो ज्यादा इजी होगा, ये थोड़ा ज्यादा डीप है, इस पे बैठो आप पहले। ठीक है, हाँ बैठो बैठो, हाँ अब खड़े हो जाओ बैठ गया दोबारा। ना। हाँ दोबारा पंजा सीधा करो पैर का, हाँ अब खड़े हो जाओ अब सही दोबारा। है। अच्छा दोबारा ऐसे आपको 10 के 3 सेट करना है। मैम, ये वाली वैसे स्टार्टिंग में संदीप सर ने कराई थी, संजीव सर ने, अच्छा कब कर रही थी? लगभग जब 40 डेज के आसपास हो गए थे तब कराई थी शायद। अच्छा तो ये आप कौन सी हाइट पे कर रहे थे, चेयर पे कर रहे चेयर पे थे? नॉर्मल जो एक बार करके वाली दिखाओ चेयर पे कैसे कर पा रहे हो। ऐसे था पीछे हो जाएगा। दूसरी वाली चेयर पे कर रहा था, ये वाली तो आपको ऐसे डेप्थ करके। बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा ले लो कि वो बेड जो आपका बेड है उससे तो नीचे हो, बट ये चेयर से हल्का ऊपर हो, तो वो आइडियल रहेगा। ठीक है, धीरे ओके मैम। धीरे 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 क्या होता है, डेप्थ हम कम करते चले जाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ओके हाँ खड़े हो जाओ, इसी पे वजन डाल के खड़े भी होना है। हाँ ये अभी आपके लिए बहुत ज्यादा नीचे है, हल्का इसे, या तो इस पे आप एक पिलो डाल दो, थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जी इसके मैम। भी 10 के 2 सेट करने हैं आपको। ओके मैम। इसके बाद आपको करना है ब्रिज कराएंगे आप। आपको क्या करना है, मैं रुको एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको करके दिखाओ। दिखाइए। यहाँ साइड में रुक जा, थोड़ा इधर घुमा। बस नहीं पैर आगे ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे नहीं, नहीं, कमर नीचे, कमर जी। नीचे, कमर नीचे रखो, पैरों को आगे रखो, घुटने को और खोलो, आके मैम हाँ और चिपका लो दोनों पैरों को, चिपका लो, घुटने ऐसे नहीं ठीक पैरों को चिपकाना है अंतकाप जी, थोड़ा है। लो लो मैम। सा और दूर करो। आप क्या कर रहे हो, आप घुटने बंद नहीं रहेंगे, घुटने नॉर्मल रखो यार, नॉर्मल पैरों को बेंड करना है आपको बस। नॉर्मल है मैम। हाँ मैं ठीक है, जी घुटना मैम। नहीं खोलना, अब आप पैरों को हल्का सा दूर करो, हल्का सा कर दिए मैम। दूर करना है, दूर। ओके कर दिए मैम। ठीक है, अब आप अपनी कमर को उठाओ, होल्ड करो पहले इस पोजीशन को, अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करो दोनों। आप जिनके पास फोन है सर, आप थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जा ली। हाँ पूरा सीधे कर लीजिए इंतकाब जी, पैर कमर ऊपर ही रहेगी। पूरे सीधे हाँ कर अब लिए मैम। पैर मोड़ो, अब मोड़ो पैर 4 स्टेप पीछे की तरफ, चार और स्टेप पीछे करना मैम। आप छोटे छोटे, ठीक है, बड़े ओके बड़े मैम। लोग हैं तो 1 ही 2 हो पाएंगे। हाँ दोबारा करो आप, ओके ये भी 4 स्टेप करें मैम आगे, एक स्टेप में ले जाए आगे, क्या कह रहे हो? पैर जो आगे लेके जाने, ये हेलो, एक स्टेप में ले जाने। हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये अब पैर आगे लेके जाने, ये भी 4 स्टेप में लेके जाने या एक में ले जाए? नहीं, एक एक करके आपको एक एक पैर को 4 स्टेप की तरह ऐसे आगे रखना है, बट कमर ऊपर ही रहेगी। एक दूसरे पैर से, दो दो, फिर अब दूसरे पैर से, तीन दूसरे तीन, पैर से, 4, अब वही 4 कदम पीछे आना है आपको। ऐसे हाँ एक
दो तीन चार, ऐसे और मैम कमर नीचे, कमर नीचे, ठीक ठीक है? ऐसे आपको 10 बार दो है, सेट करने हैं, ओके मैम, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, सिंगल लेग वो शुरू करना, हाथ में वजन लेना है आपको, आप दो दो किलो का वजन ले सकते हो, ठीक जी मैम, है? दो दो किलो हाथ में लेके उसको हाथ को ऐसे पकड़ना है, सर्जरी वाले पैर को हल्का सा मोड़ना है, 1 मिनट चाहिए। हाँ, सर्जरी वाले पैर को ऐसे मोड़ना है, 1 मिनट। हाँ, ऐसे मोड़ना है सर्जरी वाले पैर को हल्का, और उसके बाद जी हाथ में वजन लेके इधर से दिखा देते हैं आपको, आपको बेटर दिखेगा, 1 मिनट। हाँ, इंतजार, हाथ में वजन लेना, पैर को सीधा जी रखना, मैम, ऐसे पीछे जाना है पूरा, फिर ऊपर आना है, ठीक है? फिर पूरा जी मैम, नीचे जाना है और ऐसे ऊपर आना है। पकड़िए लेके। हाँ, अब पीछे पैर को मोड़ना नहीं, पैर को मोड़ना नहीं है, पैर अच्छे से को सीधा पीछे लेके जाना है आपको, घुटने से बेंड करते हुए। हाँ, जी मैम, दिख रहा आपको? जी मैम, ऐसे ठीक है? ऐसे हाँ, आपको कमर से नहीं झुकना, कमर से ऐसे नहीं झुकना, झुकना करके तो देखो मैम आप। ऐसे वेट ले लिया, हाँ, वेट ले लिया आपने, घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ो, ऐसे हाँ करो, जाओ पीछे जाओ, हाँ, और ऊपर आओ पूरा, ऐसे आपको कमर से नहीं झुकना है इंतकाब जी। अब उसको बोलो, जी, अरे आप, हाँ झुको, झुको आगे की तरफ, आगे झुकना है और पीछे आना है, बस कमर सीधी रहेगी ऐसे। ये कितना दिख रहा है, पूरा दिख रहा है? ऐसे मैम, ऐसे तो मैम कमर तो नहीं, सीधी है मेरी अब, आपकी कमर सीधी नहीं है, आप आगे झुक रहे हो ऐसे पूरा, वो नहीं करना है। आप जब कर रहे हो तो बैक स्ट्रेट रहेगी, आप पैर को पीछे की तरफ, जैसे पीछे की तरफ आप लात मार रहे हो ऐसे, जी मैम, ऐसे हाँ करो, आप सीधा देखो, ऐसे मैं चेक कर रही हूँ कितनी वीडियो है ना अपने पास में। ऐसे हाँ, घुटना मोड़ोगे तो सही। हाँ, ऐसे, अब हाँ, और अब ऊपर आना है, हाँ ठीक है, अब पूरा नीचे, हाँ ऐसे ऊपर, हाँ फिर ऊपर, ठीक है? इसका वीडियो भी भिजवा रही हूँ मैं आपको, तो वो देख लेना आप, ठीक है? ठीक जी है, मैम, कितनी हो गई एक्सरसाइजेस? 4 हो गई। इसके अलावा 5 होगी मैम, 5 5 हो गई क्या? अच्छा, स्क्वाट्स आपको जी, कॉन्टिन्यू स्क्वाट्स कैसे कर रहे हो आप, एक बार करके दिखाना मेरे को। 1 लेग वाले, 2 लेग, टू टू लेग, वाले टू मैम, लेग, ओके मैम, एक तो लेग को ऐसे करके कि जैसे ये है लेग बाहर की साइड ऐसे, और ऐसे ये वाले वेट लेके हाथ में, ठीक है? ये कितना वाला कर लिखा? रहा था मैम, ये 10 10 के 3 सेट कर रहा था मैं, कितना वेट ऐसे कितना करके लिया ये है वाला आपने, वेट कितना ले रहे हो? वेट वेट ले रहा हूँ मैं, 3 kg, अच्छा, नेक्स्ट और कौन से स्क्वाट्स कर रहे हो? और तो बस सिर्फ सिर्फ ये वाले कर रहा था, और एक 1 लेग वाले कर रहा था, मुझे भी बता दे आपको 1 वाले ये वाले, अच्छा ठीक है, आपको कौन से स्क्वाट करने हैं मैं बता रही हूँ, ठीक है? एक तो आपको क्या करना है, यहाँ से वो बता दें मेरी तरफ करना, पैरों को बड़ा ब्रॉड खोलना है, ठीक है? पैर जी लंबे मैम, खोलने हैं, हाथ ऐसे रखना है और साइड में स्क्वाट करना है, एक फिर वापस आना है, फिर दो वापस आना है, फिर तीन, होल्ड करो उधर, होल्ड करो, होल्ड करो, 5 सेकंड तक होल्ड करना है और वापस आना है,
ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, आपको नॉर्मल स्क्वाट शुरू करना है, पैर सीधा रहेगा सामने की तरफ, कंधे और पैर इन लाइन रहेंगे, और आपको पूरा नीचे बैठना है, होल्ड करना है और ऊपर आना है। ऐसे ना, हाँ, पैरों को सीधा करो, हाँ होल्ड करो, और इस पोजीशन में बॉल कैच में खेलना है, ठीक है? कोई बॉल फेंकेगा आपको, कैच करो और वापस थ्रो करो, ठीक है? ऐसे एक बार बैठ के पांच पोजीशन कैच, हाँ इसमें 5 बार बॉल फेंकना है आपको, ठीक है? ओके मैम। लंजेस आपको क्या करने हैं, सीधा खड़े हो जाओ। लंजेस के लिए एक पैर आगे रहेगा, एक पैर पीछे रहेगा। पहले पूरा नीचे बैठना, हाथ में वजन लेना, ऊपर आना है, फिर जाना है, फिर पूरा नीचे बैठना, ऐसे चलते हुए लंजेस कर रहे हैं, वॉकिंग लंजेस। जी मैम, वो तो मैं वॉकिंग लजीज बिना उसके कर रहा हूँ, बिना वेट के। जैसे वेट ये डाल है दो, 2 2 किलो डाल दो। ऐसे करके, नहीं, वेट डाल, वेट के साथ 2 kg वेट, दो टू दो के जी किलो साथ में 2 kg। 2 2 किलो एकदम, ओके मैम, ठीक है? सारी एक्सरसाइजेस की मेरे को वीडियो चाहिए करते हुए, मेरे पास जो आज सिखाई हुई एक्सरसाइजेस है उनकी एक आध वीडियो होगी, वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? वो आप ओके ऐड मैम, करो, सारा वीडियोस मेरे को एसीएल विनर पे चाहिए कल सुबह तक, ताकि मैं देखूँ कि आप ओके मैम, कर डालो। कैसे कर रहे हो, ठीक है? जी मैम, ओके ठीक है इंतकाब जी, ये आप 10 दिन तक करो, 10 दिन के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट लो। मैम, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो रनिंग अभी मैं कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, और 200 मीटर फिर वॉक, फिर 1 किलोमीटर रनिंग फिर वॉक, तो ऐसे ही ठीक करते रहना है कंटिन्यू। है, आप अभी आपको भागने भागने के बाद कुछ स्वेलिंग आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है? कोई नहीं मैम, वैसे तो कुछ नहीं है। दिक्कत नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम करो, और नहीं रनिंग कितनी स्पीड पे कर रहे हो आप, मतलब स्प्रिंट रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग कम रनिंग कर रहे हो? मतलब रनिंग मतलब सही है कि मैं 3 किलोमीटर लगभग 20 मिनट में कर रहा हूँ। 3 किलोमीटर 20 मिनट में, तो आप एक काम करो, आप 1 किलोमीटर जॉगिंग और 200 मीटर वॉकिंग कर रहे थे, अब आप उसको 1.4 किलोमीटर जॉगिंग कर दो और फिर 200 मीटर रनिंग कर दो, ठीक है? अगर आपको ये करने के बाद स्वेलिंग आ जाता है नी में, थोड़ा भारीपन लग रहा है, तो 1.4 किलोमीटर जॉगिंग के बाद 400 मीटर वॉकिंग कर देना, ठीक है? ओके मैम, पहले अभी अभी मतलब जॉगिंग 1.4 किलोमीटर जॉगिंग के बाद 200 मीटर रनिंग करनी है स्पीड हाँ, 200, नहीं, रनिंग नहीं, वॉकिंग करनी, आप 1 किलोमीटर हाँ, रनिंग कर रहे हो वॉकिंग। ना, तो पहले रनिंग करो, जी उसमें मैम, 400 मीटर बढ़ा दो, ठीक है? चार ओके सौ मैम, मीटर बढ़ाने के बाद जो आप नॉर्मली करते रहना वॉकिंग, जितना आप 200 मीटर पे कर रहे हो उतना ही 200 मीटर वॉक करते रहना, ठीक है? अगर आपको स्वेलिंग बढ़ जाता है ये 400 मीटर बढ़ाने के बाद, तो 1.4 किलोमीटर जॉगिंग या रनिंग जो भी आप कर रहे हो उसके बाद वॉकिंग भी 400 मीटर कर देना, ठीक है? और डिस्टेंस फिर आप कम कर देना, अभी अगर आप 3 किलोमीटर भाग रहे हो तो आप 2 2.5 किलोमीटर कर दो, ठीक है? तो आपकी पेस बढ़ ओके जाएगी, मैम। थोड़ा पेस हो जाता है, फिर डिस्टेंस बढ़ा देना, ठीक और है? मैम, जिम वगैरह करनी है ज्वाइन या नहीं जिम करनी की है मैं जी? एक्सरसाइजेस आपको अभी लिख के भेज रही हूँ कि क्या करनी है, कैसे करनी है, आप वो भी एक्सरसाइजेस को जिम ट्रेनर को दिखा देना, बात करवा देना हमसे अगर लगे तो, और जैसा मैं लिख के दे रही हूँ वैसा ही करना, उनके हिसाब से कोई एक्स्ट्रा वेट्स वगैरह आपको नहीं डालने, ठीक है? तो मैं सारा लिख के ओके, अभी एक शेड्यूल भिजवा रही हूँ आपको व्हाट्सएप पे, वो फॉलो करो और उसका भी वीडियोस बना के मेरे को भेजा, ठीक है? कि ओके सब मैम, सही चल रहा है, कुछ अपनी उनकी मर्जी से कुछ शुरू मत करना, ठीक है? ओके ओके ओके। ओके इंतकाब जी।